please. Good morning, everybody. Governor sir, माननीय मंच पे उपस्थित सभी वक्ता रुजान और आप सब यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस द सीईओ ऑन द कर्णावती कॉलेज. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके साथ उपस्थित हूँ. मेरे पास 3 मिनट का वक्त है आपसे बात करने का, तो मैं 3 बातें करूँगी. पहली बात, ये मुझे हल्ला बोल जो शब्द रुजान ने बनाया है, ये रुझान की तरह ऊर्जा से भरा हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एक फिल्म आई थी हमारे चक दे करके शाहरुख खान की, तो वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, तो मुझे लग रहा है हल्ला बोल करके भी फिल्म बननी चाहिए. तो हल्ला बोल का मतलब क्या होता है? तो हल्ला बोल एक एक्सप्रेशन है जिससे कि हम अपने अंदर एक एनर्जी लाते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं. एक जिसको क्लैरियन कॉल कहते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को जब हम बोलते हैं हल्ला बोल, तो मतलब चलो आगे बढ़ो. तो ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है. जैसे अभी मुझसे पहले अभी जो बात हुई कि लड़कों को भी आगे बढ़ना है, उनको भी हल्ला बोल करना है और अपनी जिंदगी को संवार के लाना है. तो जो रुझान ने काम शुरू किया है, एक फिजिकल लेवल पे जो एम्पावरमेंट है लड़कियों की, बहुत जरूरी है. लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी किसी से, तो ये जो परेशानी है ये एक मानसिक परेशानी है सबसे पहले. तो एक मास्टर कार्ड करके क्रेडिट कार्ड, आप जानते होंगे मास्टर कार्ड को, कंपनी है, उसके सीईओ हैं अजय बंगा करके. तो मेरी उनसे एक बार बात हो रही थी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो वो बोले कि मैं किसी से क्या कहूं, जब मेरे घर में भी कोई गेस्ट आता है तो मैं और मेरी पत्नी जो है अपनी बिटिया को बोलते हैं बेटा चाय बना के लाओ, और बेटा जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा रहता है ताकि जो भी बातचीत हो रही है उसमें वो शामिल रहे, और बिटिया जो है वो किचन में जाकर चाय बना कर लाए. तो हम जब हर घर में इस तरह की बात करते हैं तो हम मानसिक तौर पर अपनी बिटिया को कमजोर करते हैं. ये नहीं कि श्रम करना अच्छी बात नहीं, लेकिन हर बार श्रम वो ही करे ये भी अच्छी बात नहीं. तो हम उसको ये मैसेज देते हैं कि ड्राइंग रूम में जो बात हो रही है, जो डिस्कशन, आप उस चीज के लायक नहीं है बैठने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए. तो आप जो सोचती हैं, आप जो समझती हैं, उसका मूल नहीं है, लेकिन आप जो चाय बना के लाएंगी बस उतना कर लीजिए आप. तो चाय खुशी से बनाए हम, लेकिन क्या यह हो सकता है कि कभी कभी हम अपने लड़कों को भी बोले कि आज बिटिया बैठेगी यहाँ पे, जाओ तुम चाय बना के लाओ. कोई इसमें खराब बात नहीं है. हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले रेड फोर्ट से जो इंडिपेंडेंस डे का एक हमको एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, और ये जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा था और कहा था कि जब बिटिया बाहर जाती है तो सब लोग घर के 10 सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रही हो, कितने बजे आओगी, किसके साथ जा रही हो, क्या क्लासेस हैं, जो भी. और जब बेटा बाहर जाता है तो उसे कोई सवाल नहीं, किसके साथ जा रहा है, क्या संगत कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है नहीं ले रहा है, जैसे कि अभी बात हुई, कितने बजे वापस आएगा, क्या उसकी दिनचर्या रहेगी, उससे कोई सवाल नहीं किया जाता है. तो ये जो, जैसे रुझान ने बोला कि जब आपके सामने कोई आता है, इससे पहले कि वो आपसे कुछ कहता आप पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि डरना आपका जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट मैकेनिज्म हो गया है, क्योंकि आपकी सोच है कि मैं कम हूं, मुझ में कुछ कमी है, कुछ गलत हुआ तो मुझसे ही गलती हुई होगी. तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये एक इम्बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग जो हम लोग एक सोसाइटी की तरह कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि हम कहीं ना कहीं एज एडल्ट्स, एज इंस्टीट्यूशंस अपने बच्चों को फेल कर रहे हैं कि उनको दिशा नहीं दे रहे हैं, उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं. तो अगर हम उनको जैसे ट्री प्लांटेशन है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, या योगा प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, या ये वज्रो फोर्स के स्क्वाड्स जो रुझान क्रिएट कर रही है एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो ये जो टाइम पास है, बोर हो रहे हैं, ये सब परेशानियां नहीं आएंगी. तो ये जो इम्बैलेंस हम अपब्रिंगिंग का कर रहे हैं,
जो बच्चों को हम एक दिशा नहीं दे पा रहे हैं और जिनमें दिशा है भी, जैसे कि आपसे 60-70% बच्चियां हैं जो कॉलेज के अंदर हैं, तो मतलब लगन बहुत है, एस्पिरेशन की कमी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस और मैं कुछ कम हूँ, एक सेल्फ एस्टीम लो होना, एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ये हम अपने बच्चियों को दे रहे हैं। एक जगह सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, तो अगर मैं, मेरी शक्ति एक्स की है तो मैं लड़का हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं 10x हूं, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। सबने समझाया, अरे बेटा है। और बेटी की अगर ऊर्जा है एक्स, तो वो समझेगी कि मैं -10 हूं, क्योंकि उसको बोला और या उसने ऐसा समझा है उसके साथ जो भी व्यवहार हुआ है कि वो कम है। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी अपब्रिंगिंग में, अपनी मानसिकता में ये जो असंतुलन है इसको पैदा किया है। और अब जो रुझान जैसे काम कर रही हैं, ये इस असंतुलन को संतुलन की तरफ ले जाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन ये असंतुलन से संतुलन तक जाने की प्रक्रिया सबको करनी होगी, सबको मिलके करनी होगी। तो मैं एक बस कंक्लूड करूंगी आपको बता के कि हम राय यूनिवर्सिटी पे एक छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये असंतुलन को संतुलन की तरफ लेके जाएं। तो बच्चियों को जब खासकर देखा जाता है निम्न वर्ग में, जहाँ पे बच्चे, लड़के और लड़की को पढ़ाने के बीच में चॉइस करनी पड़ती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आगे की पढ़ाई जो है 8वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद शायद पोस्ट ग्रेजुएट और आगे, तो ये रिसोर्सेज किस पे खर्च किए जाएं। तो हमने देखा कि रिसोर्सेज अगर लड़का होता है वो तो खाने से लेकर, पहनने से लेकर, पढ़ने से लेकर पहले लड़के पे किया जाता है, लड़की पे रह जाता है। तो हमने गांव-गांव जाके ये कोशिश की कि फैमिलीज जो हैं, जिन्होंने बच्चियों ने 12वीं तक पढ़ाई कर ली है लेकिन उसके बाद उनको बोल दिया जाता है बस बहुत पढ़ लिया, अब घर संभालो, तुम्हारी शादी वैसे ही हो जानी है, तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने वहां जाके कोशिश करी, हमारा एक प्रोग्राम है स्पेशल स्कॉलरशिप्स का लड़कियों के लिए, कि आप आइए, हम लोग स्कॉलरशिप से ये कॉलेज में पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह का आज ये हाल है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज हमारी एक 11 लड़कियों की फुटबॉल की टीम है जो कि 2-3 जगह कॉम्पिटिशन में जीत आई है। उसमें से 2 लड़कियां वैसी हैं जो उन्होंने स्कॉलरशिप पे इस प्रोग्राम में आई थी, आज उनके माँ बाप को उन पे गर्व है, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दी है कि वो आगे जाके फुटबॉल को नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें, तो क्यों नहीं ओलंपिक में कल जाके वो भी गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल ला सकती। तो ये इकोसिस्टम है जो हम सबको हाथ बढ़ाना है, मिलकर आगे आना है। और फिर ये जो एक बैलेंस्ड लीडरशिप है जहां लड़कियां और लड़के समान रूप से आगे आएंगे, इक्वल पार्टनर्स की तरह, जो लड़कियां कर सकती हैं वो आगे लाएंगी, जो लड़के कर सकते हैं वो आगे लाएंगे, और एक रिस्पेक्टफुल, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली जो पार्टनरशिप है, जहां लड़की भी सशक्त है फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, और जहां लड़के भी सशक्त हैं, जो उनको पावर ये मिली हुई है उसका वो सही एकदम फायदा उठा के अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप से जिंदगी को कुछ बना रहे हैं, जैसे कि कहा गया हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है, तो ये मुमकिन है। लेकिन हम सबको मिलके ये कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश हम करें तो कुछ भी